प्यारे बच्चों, ये वीडियो जो कक्षा 9 और 10 दोनों के लिए बनाई जा रही है। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आज का हमारा ये टॉपिक रहेगा। तो इस टॉपिक को लेकर के आज हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे कि पहचान करने का मैंने तुम्हें तरीका बताया था कि हमें पहचान में पता होना चाहिए, पहचान के साथ साथ सहायक क्रिया का पता होना चाहिए, सहायक क्रिया का पता होना चाहिए और ऐसे ही मुख्य क्रिया जो हमारी होती है मुख्य क्रिया का भी हमें पता होना चाहिए। तो पहचान करने का मैंने तुम्हें तरीका बताया था क्या कि पहले हम देखते हैं कंटिन्यूअस का मतलब होता रहा और प्रेजेंट का मतलब है। तो पहचान होगी रहा है, रही है, रहे है। साथ ही साथ में यदि परफेक्टिव दिया गया है तो इसमें टाइम मोड आता है। क्या आता है? टाइम मोड आता है कि समय का वर्णन भी होता है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेते हैं, वह सुबह से खाना खा रही है, वह सुबह से खाना खा रही है, बना रही है, बना रही है, ये हमारा सेंटेंस है बच्चों। तो यहां देखें कि रही क्या क्या और इसमें सुबह से समय दिया गया, ठीक है ना। तो उस आगे हम पढ़ते हैं। अब उस आगे हमारे लिए सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया इसकी आपको बताई गई है कि हैज और हैज और हैव बीन, इसमें हैज बीन और हैव बीन, ये हमारी सहायक क्रिया होगी। देखना यह है कि दो सहायक क्रिया है, कौन सी सहायक क्रिया किसके साथ यूज होगी। तो हमें यहां यह देखना है कि यदि हमारा एक वचन करता है, एक वचन करता है, तो हम लगाएंगे फिर हैज बीन। यदि हमारा बहुवचन करता है तो फिर हम लगाएंगे बहुवचन, बहुवचन करता है तो फिर हम लगाएंगे Have been। तो ये हमें यहाँ देखना है कि हमारी सहायक क्रिया क्या प्रयोग होगी। अब उसके बाद जो हमारी मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया जो हमारी यहाँ ये आएगी हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing, क्योंकि प्रेजेंट भी है और कंटिन्यूअस भी है। तो अब इससे लेकर के हम आगे चलेंगे, हमारे पास एक सेंटेंस है या हम एफर्मेटिव सेंटेंस लेकर बताते हैं, affirmative सेंटेंस। जब इसे लेके बात बनेंगे तो हमारा जो इसकी कोटेशन बनेगी वो बनेगी, सबसे पहले रखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम क्या रखेंगे, क्या रखेंगे, हैज या हैव, और तब हम लगाएंगे क्या, बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर का प्रयोग करते हुए जो भी हमारा टाइम है, टाइम बेटा हम यहां लगा देंगे। अब एक बात यहां हो रही कि सिंस का प्रयोग हम कहां करेंगे और फॉर का प्रयोग हम कहां करेंगे, तो इस चीज को भी हम देख लेंगे। एक होता हमारा इनडेफिनिट टाइम, डेफिनिट टाइम, तो यदि हमारा डेफिनिट टाइम है तो हम तब सिंस का प्रयोग करेंगे। यदि हमारा इनडेफिनिट टाइम है, इनडेफिनिट टाइम है, तो फिर हम फॉर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? फॉर का प्रयोग करेंगे। अब हमें यह भी आइडेंटिफिकेशन करनी है कि डेफिनिट टाइम क्या होता है और इनडेफिनिट टाइम क्या होता है। तो डेफिनिट टाइम के लिए दिनों के नाम, जिसमें दिनों के नाम बजे, सुबह, शाम, दोपहर है, ऐसे सन जैसे कि 1999 या आदि इस तरह के सन जो हमारे होते हैं, वो भी तारीख, इसमें आदि जो हमारे होंगे वो सब हमारे होंगे डेफिनेट टाइम। अब इंडेफिनेट में क्या हो गया, यदि इन सब की संख्या है, यानी कि दिनों की संख्या, दिनों के नाम की जगह दिनों की संख्या, या महीनों की संख्या,
महीनों की संख्या, इसके ऐसे इसी के इसी प्रकार से महीनों की संख्या के साथ और भी बहुत सारी चीज आ जाएगी, जैसे घंटे यानी घंटों की संख्या आदि। तो ये सब हमारे होते हैं क्या, इनडेफिनिट टाइम, इसे बोलते हैं हम अनिश्चित समय। बात समझ आ गई होगी। अब हम कहते हैं कोई भी सेंटेंस ऊपर लिखा हुआ है, मैं सुबह से खाना बना रही है, तो उसका जो हमारा जो फार्मूला जो फुटेशन हमारी बन गई है, इसके अकॉर्डिंग हम इसे ट्रांसलेट कर देंगे। कैसे, सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट वहां दिया गया है शी, क्योंकि वह लड़की है, तो हम लिखेंगे सी। सी एक वचन करता है, यह बता दिया एक वचन करता है, हैज भी आएगा, तो सी हैज बीन, सी हैज बीन, सी हैज बीन के बाद में आप लोग देख रहे हैं यहाँ वर्ब की फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब हमारी खाना बनाना कुकिंग, कुकिंग में लगा देंगे आईएनजी, कुकिंग हो गया। और उसके बाद क्या हमारा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है हमारा फूड, क्या है बेटा फूड। अब फूड के बाद जो भी हमारा समय यहाँ दिया गया है सुबह, देखिए सुबह हमारा डेफिनेट टाइम हमारा जो क्या लिखा हुआ है, सुबह शाम दोपहर के हमारे डेफिनेट टाइम होते हैं। तो इससे पहले हम सिंस का प्रयोग करेंगे, इसका सिंस एस आई एन सी का प्रयोग करके, उसके बाद जो भी वर्ड आया मॉर्निंग एम ओ आर एन आई एन जी मॉर्निंग, इस प्रकार से ये सेंटेंस हमारा ट्रांसलेट हो जाता है। अभी जी हम आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर दो पे। वह कुछ दिनों से, वह कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही है, नहीं आ रही है। तो प्यारे बच्चों तुम यहां भी देख रहे हो क्या कि यहाँ नेगेटिव सेंटेंस और आ गया, तो सब जानते हैं कि ये सेंटेंस हमारा नेगेटिव है, तो जो भी हमारे साइड किया है उसके बीच में हमारा नोट शब्द आ जाएगा, बाकी कोटेशन हमारी एक ही यही रहेगी। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, वह लड़की है, तो सी सी के साथ आ जाएगा हैज, नॉट और हो जाएगा बी, तो ये नेगेटिव हो गया और सेकंड एग्जांपल भी चीज को समझने के लिए हमारा हो गया। अब क्या रख रखे, जो भी वर्ब है स्कूल नहीं आ रही है, कम सी ओ एम आई एन जी, कमिंग स्कूल आने के लिए हो गया है, कब से, वह कुछ दिनों से स्कूल। अब क्या है ऑब्जेक्ट हमारा, ऑब्जेक्ट क्या है स्कूल, तो सी हैज नॉट बीन कमिंग टू स्कूल, कब से, कुछ दिनों से, तो कुछ दिन जो कि संख्या मान गया, दिनों की संख्या कुछ दिन है, पता नहीं कितने दिन है, तो यहाँ ऐसी समय है यानी कि इंडेफिनिट टाइम है, तब हम फोर का प्रयोग करेंगे, फोर सम डेज, फोर सम डेज। तो इस प्रकार से हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं। आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चों को ये ट्रांसलेट करना आपको आ गया होगा, और इस साल हम नेक्स्ट वीडियो पढ़ेंगे कल।